press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दुष्कर्म के आरोपी फलाहारी बाबा मामले में आज एडीजी संख्या एक ने अपना फैसला सुनाते हुए फलाहारी बाबा को उम्र कैद और 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। गत वर्ष छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक युवती ने 7 अगस्त 2017 को रक्षाबंधन वाले दिन बाबा के खिलाफ यौन शोषण किए जाने का मामला 0 FIR के जरिए करीब एक माह बाद बिलासपुर में दर्ज कराया था, जिसके तहत 20 सितंबर 2017 को अलवर के अरावली विहार थाने में मामला पहुंचा और 23 सितंबर को बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से फलाहारी बाबा जेल में है। अदालत में दोनों पक्षों के 4 दिनों तक लगातार चली बहस सुनने के बाद आज न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें बाबा को आजीवन उम्र कैद के साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की सजा सुनाई। देखिए, कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य और फलाहारी महाराज को आज न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376(2)(f) और 506 आईपीसी दोनों में दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा से तथा 1,00,000 रुपए के अर्थदंड के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। बहुत कम समय में ये फैसला आया है। ये फैसला महज 11 जनवरी 2018 को इस न्यायालय में कमिट होकर आया था श्रीमान चलायन सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ से, और यहाँ तब से अब तक महज 8 माह के अंदर अंदर हमने इसकी ट्रायल पूरी की है, जिसमें 30 गवाह मैंने अपने अभियोजन साक्षी के रूप में मैंने न्यायालय में करवाए, 7 गवाह डिफेंस के लॉयर्स ने पेश किए थे और लगभग 78 दस्तावेजात मैंने न्यायालय में प्रदर्शित करवाए, 21 आर्टिकल्स मैंने न्यायालय में प्रदर्शित करवाए। 4 दिन तक लगातार दोनों पक्षों की बहस चली, बहस अंतिम चली और उसके बाद आज न्यायालय ने निर्णय सुनाया प्रकरण में। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आज पीड़िता को इंसाफ मिला। पीड़िता के वकील भी अनिल जी, आप बताइए कि किस तरह से ये पूरी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि मीडिया वालों ने, पुलिस प्रशासन ने और न्यायालय ने जो हमारा साथ दिया है, हमारे को सहयोग प्रदान किया है, हमारी बात को सुने और हम सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। हमको तो इतना अच्छा न्याय मिला है कि ये सभी देश के माँ बापों को, कि ऐसे पाखंडियों के पीछे अपना समय मत बर्बाद करें। अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या साथ जाएंगे आप लोग भी लड़ेंगे? हाँ, इसके खिलाफ तो हम जहाँ जाएगा हम उसके लिए जाएंगे। एक मैसेज दे दीजिए सर, जो लोग इस तरह जैसे आप खुद ही एक आप थे। हमारा यही सभी से निवेदन है कि हिम्मत करके आए और ऐसे पाखंडियों का भंडाफोड़ करें, पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।